बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। काफ़ी दिनों से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रही, कोई मसरूफियात हैं बहुत ज़्यादा। एक तो रमज़ान चल रहा है, उसकी अपनी मसरूफियत है, और फिर कुछ करीब करीब ईद है, तो ईद की शॉपिंग चल रही है। तो मैंने अभी शॉपिंग की वीडियो भी बनानी है, जो मैं आपको दिखाऊंगी सारी शॉपिंग, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पा रही। जो वीडियो मेरे पास पहले से बनी हुई थी, उन्हीं वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ, और अब तो वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो मैंने सोचा आज की वीडियो जो है रेसिपी प्लस ब्लॉग कर लेते हैं। तो आज मैं फ्रांस बीन की फलियां कीमे और आलू के साथ बना रही हूँ। वैसे तो अफ्तारी में बहुत कम खाना खाया जाता है, कोई खाता है कोई नहीं खाता, तो सालन कम बनता है तो थोड़ी सी मिकदार में बनता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कीमे में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्च और हल्दी और धनिया डालकर जो है रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर मैं धीमी आंच पर इसको रख दूँगी। दो गिलास पानी मैंने डाला हुआ है इसमें। फ्रांस बीन की फलियाँ जो हैं वो मैंने धोने के बाद अच्छी सी बारीक सी काटी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी। ये देखें, बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है ये, और स्पेशली कीमे में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रांस बीन की फलियाँ कीमे और आलू के साथ। और हो सकता है आलू ना डालूँ, आलू स्किप कर दूँ मैं, लेकिन अभी तक मेरा इरादा आलू भी डालने का है। लेकिन अगर बाज़ बच्चों ने कहा कि आलू ना डालें, किसी ने कहा घर में से, तो मैं आलू नहीं डालूँगी। तो आपकी मसरूफियात क्या हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो को एंड तक देख लिया करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए, मेरी हौसला अफज़ाई भी हो। लाइक कमेंट शेयर करने से हौसला अफज़ाई होती है मेरी, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे इसका रिज़ल्ट दें। तो इसको ढक देते हैं कीमा गलने तक, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो कीमा तो रख दिया है मैंने पकने के लिए, और साथ ही मैंने हरी चटनी बनाने का सामान भी तैयार कर लिया है। पुदीना भी मैंने तोड़ लिया है और धनिया भी काट लिया है सारा, हरी मिर्चियों की डंडियां तोड़ ली हैं, लहसुन भी छील लिए हैं 5-6 जवे। तो अब मैं इसको धोने लग रही हूँ। धोने के बाद जो है वो मैं इसको ब्लेंडर में डालकर कुछ मसाले डालकर पीस लूँगी। वैसे हरी चटनी की जो है रेसिपी जो है ना, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको धो लेती हूँ यहाँ पर। साथ ही कीमा भी जो है वो गल चुका है, पानी जो है वो इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। और यहाँ पर जो है ना, मैं इसमें घी डाल के जो है ना इसकी भुनाई कर रही हूँ। मैंने पहले भी थोड़ा सा घी डाला है इसमें, तो अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। साथ ही साथ धनिया भी जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको मैं पीस के जो है ना वो रख लेती हूँ बोतल में डाल के। तो धनिया जो है वो काफ़ी गंदा है, ये देखिए बड़ी चीज़ें हैं इसमें, तो धनिए की सफाई भी हो रही है साथ साथ, काफ़ी काम साथ साथ निपटा लेती हूँ मैं एक चीज़ करते करते। अभी मैं बर्तन भी धो के मैं फारिग हुई हूँ, अभी बर्तन धोए हैं और अभी आटा भी गूंदना है, और अबू बकर के लिए रोटी भी बनानी है, क्योंकि अबू बकर का तो रोज़ा नहीं होता, तो अबू बकर के लिए भी रोटी बनानी है, उसको दूंगी खाना, उसको भूख लग रही होगी, वो जल्दी से भूख लग जाती है। तो यहाँ पर ब्लेंडर में मैंने सारी चटनी का सामान जो है वो डाल के रख दिया है, और अभी मैं इसको पीसूंगी। लेकिन मैं धनिया का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी, थोड़ा सा पीस धनिया भी डाल के पीसती हूँ मैं इसमें, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू और बड़ा अच्छा सा जायका आता है। तो धनिया साफ़ हो जाए, साथ साथ जो है वो मैं भुनाई भी कर रही हूँ सालन की, और मैं इसको ऐसे मैश करती रहूँगी। टमाटर और जो लहसुन है ये सारे जब भुनाई हो जाएगी तो ये इनका नाम भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कीमे की बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, घी इसका अलग हो गया है। तो यहाँ पर मैं फ्रांस बीन डाल रही हूँ, और फैसला ये हुआ है कि सिर्फ फ्रांस बीन ही डालेंगे, आलू नहीं डालेंगे, ठीक है। तो फ्रांस बीन डालकर मैं थोड़ी देर इसको मिक्स कर देती हूँ, और धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल देती हूँ इस वक्त, और दम पे लगा देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, और धनिया भी तकरीबन हो चुका है साफ, बहुत ही ज़्यादा गंद निकला है इसमें से, आप देख सकते हैं कुछ प्लेट में भी है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, कीमा और फलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हो गई हैं तैयार, और चटनी भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी है, और धनिया भी पीस कर जो है वो बोतल में डाल दिया है, और मैं कीमा और फलियों का फ्लेम जो है वो करने लगी हूँ ऑफ। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी की वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरी वीडियो अब तक पहुँच सकेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।